Bismillahirrahmanirrahim, dear student, assalamu alaikum. Today we will discuss properties of the third race. आज हम discuss करेंगे third race की properties. यानी properties को हम feature भी कह सकते हैं. Paper के अंदर सवाल आता है describe the feature of the third race, properties of the third race या characteristic of the third race. तो आपने इसका answer ये ठीक है. Third race are negatively charged. Third race के ऊपर negative charge. नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस कर लेते हैं इनके ऊपर क्यों नेगेटिव चार्ज होता है. कैथोड रेस एक ऐसा सोर्स समझ लिया जिससे कैथोड रेस एमिट हो रही है. कैथोड रेस एमिट हो रही है, कैथोड रेस निकल रही है. कैथोड रेस निकल रही है तो कैथोड रेस जैसे ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है. कैथोड रेस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन के अंदर मूव करती है. हमने इनके रास्ते डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव और नेगेटिव के दरमियान रिपल्शन होती है, सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन होती है, डिफरेंट चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है. नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस का मतलब होता है चमक पैदा करना. कैथोड रे जब ग्लास के साथ स्ट्राइक करती है तो उसके अंदर ग्रीनिश कलर, अगर ग्लास के साथ स्ट्राइक कर रही है तो ग्रीनिश कलर की प्रोडक्शन करेंगी, फ्लोरेसेंस की प्रोडक्शन करेंगी. अगर वो टिन के साथ स्ट्राइक करती है तो येलो कलर की प्रोडक्शन करेंगी. अगर वो एलुमिना के साथ स्ट्राइक करती है तो रेड कलर की प्रोडक्शन करेंगी. पेपर के अंदर सवाल आ जाता है एमसीक्यूज के अंदर, जब व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक विद टिन दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस व्हाट काइंड, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन. तो आपने इसके ऊपर टिक करना है, येलो के ऊपर. एमसीक्यूज के तौर पे आता है क्वेश्चन, कई दफा पेपर के अंदर आया है ठीक है. इसके बाद आ जाए, ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसके साथ रेडिएशन टकरा रही है. अगर हम ग्लास यूज कर रहे हैं, शीशा यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन फ्लोरेसेंस का कलर किस तरह का होगा, ग्रीनिश कलर का. अगर टिन यूज कर रहे हैं तो येलो कलर का, अगर हम एलुमिना यूज कर रहे हैं तो रेड कलर का. नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ शैडो, यानी किसी चीज का साया बनाना ठीक है. तो थोड़ रे जब ट्रेवल्स करती हैं ठीक है, हम इनके रास्ते के अंदर इनके पास के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका क्या करते हैं, थोड़ रेस का शैडो बना देंगे. क्या करेंगे, शैडो बना देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि थोड़ रेस क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है. सीधी लाइन के अंदर ऐसे सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है. थोड़ रेस क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है. ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील. कैथोड रेस क्या करती हैं, छोटा सा व्हील पहिया उसको क्या करती हैं, ड्राइव यानी उसको चला सकती हैं. कैथोड रेस स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, ये कैथोड रेस एक सोर्स से निकल रही हैं. अब हमने इसके सामने क्या रख दिया है, ये पहिया रख दिया है. कैथोड रेस के सामने हमने क्या रख दिया, छोटा सा एक पहिया रख दिया, छोटा सा एक पहिया रखा है कैथोड रेस के सामने. तो क्या होगा, जैसे कैथोड रेस इस पहिये के साथ टकराएंगी तो क्या होगा, इसके अंदर मोमेंटम पैदा करेगी, मोमेंटम पैदा करेंगे, ये पहिया घूमना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि थोर रेस नॉट ओनली रेस, ये सिर्फ रेडिएशन ही नहीं है बल्कि इनके पास हैविंग मास एंड वेलोसिटी. इनका अपना मास होता है, इनकी वेलोसिटी होती है ठीक है. अब पेपर के अंदर सवाल आ जाए, हाउ यू कैन जस्टिफाई कि थोर रेस पोजेस मास एंड वेलोसिटी, तो आपने बताना व्हेन वी प्लेस, जब हम प्लेस कर देते हैं एंड स्मॉल पैडल व्हील इन द पाथ ऑफ थोर रेस, तो थोर रेस शुड ड्राइव the small pedal wheels and cause the momentum in the pedal wheels, that's why it is possessed as mass and velocity. Next हमारे पास आ रहा है production of heat.
ठीक है, यहाँ से भी रेज निकलेगी, यहाँ से डिफरेंट पॉइंट से निकलेगी, यहाँ एक पॉइंट के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, हीट पैदा हो रही है, तो कैथोड रेज प्रोडक्शन ऑफ हीट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आयोनाइजेशन, कैथोड रेज आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस के अंदर टूटना। कैथोड रेज क्या करती है, किसी भी चीज को आयंस के अंदर, किसी भी स्पीशीज, स्पीशीज केमिस्ट्री में मुराद एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी स्पीशीज के साथ टकराएंगे, सपोज एटम के साथ टकरा रही है, तो एटम्स क्या होता है, जो बेटा न्यूट्रल होता है, एटम आमतौर पे क्या होता है, न्यूट्रल्स, जब इसके साथ आगे इलेक्ट्रॉन टकराएगा, यानी कैथोड रेज टकराएंगे, ठीक है, ये हमारे पास एटम न्यूट्रल है, यहाँ पे कैथोड रेज, कैथोड रेज जब इसके साथ टकराएंगी, इसके साथ प्लस का साइन है, कैथोड रेज इसके साथ मिल रही है, तो मिलकर क्या बना देंगे, इसके बाद से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इसको पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और साथ में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो ये सफर को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। यानी अगर हमारे पास हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, हम उसके साथ कैथोड रेज मिलाएंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, तो स्ट्राइक करने से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाहर फेंकेंगे, पॉजिटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, कैथोड रेज क्या करती है, केमिकल चेंज कर देती है, कोई एक केमिकल चेंज से मुराद उसके केमिकल इलाज से क्या चेंज आती है, ठीक है, कैथोड रेज चूंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर बिस्मिल है, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है, बेसिकली क्या है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, दरअसल इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो जब किसी चीज के साथ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी चीज के साथ मिलते हैं, तो इस समय को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ कोई भी चीज है, वो एटम आयंस या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम के साथ मिलेंगे, तो इस समय को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो कैथोड रे इसलिए यूज होती है रिड्यूसिंग इफेक्ट करने के लिए, रिड्यूसिंग इफेक्ट काज करने के लिए इस्तेमाल होती है, कैथोड रे को हम यूज करते हैं किस लिए, रिड्यूसिंग इफेक्ट काज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पास थ्रू ऑफ मेटल लेयर्स, कैथोड रे बारीक सी मेटल लेयर, थिन पतली थिन मेटल लेयर से क्या करती है, पास हो जाती है, थोड़ रेज थिन मेटल लेयर से क्या होता है, यहाँ से गुजर जाती है, थोड़ रेज आई और यहाँ पे हमने थिन मेटल लेयर रख दी, थोड़ रेज के सामने हमने थिन मेटल लेयर रखी, तो थिन मेटल लेयर को ये क्रॉस करके आगे गुजर गई, ई ओवर एम रेशियो, तो थोड़ नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज है, ई का मतलब होता है चार्ज को रिप्रेजेंट करता है जी, और एम मास, एम किसको रिप्रेजेंट करता है जी, मास को, चार्ज ओवर मास रेशियो, थोड़ रेज की चार्ज ओवर मास रेशियो शो दैट, ये हमें बताती है कि दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, सिंपली इलेक्ट्रॉन, ये सिंपली क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, सिंपली इलेक्ट्रॉन है, थोड़ रेज क्या है, सिंपली इलेक्ट्रॉन। आगे प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, कैथोड रेज आ रही है, ठीक है, किसी भी सोर्स से कैथोड रेज निकल रही है, जब स्ट्राइक करती है हैवी मेटल के साथ, किसके साथ, हैवी मेटल के साथ, ठीक है, हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करेगी, तो वहां से क्या निकालेंगे जी, एक्स रेज, क्या निकलेगी जी, एक्स रेज, एक्स रेज निकलेगी, एक्स रेज क्या होती है, हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, एक बकायदा टॉपिक है इसके ऊपर, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, जब कैथोड रेज आ रही है, ठीक है, ये कैथोड रेज आ रही है, ये स्ट्राइक करेंगे किसी भी हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल के साथ, HN हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करेंगे, तो वहां से क्या चीज निकलेगी, एक्स रेज पैदा होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।